सी बात पहले लो आज ये ले लो। अब बज चुके हैं 5:10, मैं वेट कर रहा हूँ कैब का। सुबह सुबह चाय की चुस्की, 5:30 हो गए हैं, चाय पी रहे हैं हम लोग, घर से ऐसे उठ के आ गए। सारे झुंड में आ चुके हैं। यहाँ की खूबसूरती है, पहली खूबसूरती जो है वो डियर्स के साथ ही शुरू होती है। हेलो नमस्ते, स्वागत है, सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ आपका एबी, वेलकम टू माय चैनल। साढ़े 5:30 हम लोग उठ के आज आए थे, तो कि कुछ तो दिखेगा अभी, मगर एक जगह पर लाए हैं हमको, वो हम दिखाएंगे। मगर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर आप दांडेली आ रहे हो, दांडेली आके अगर जंगल सफारी नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि दांडेली की जो खूबसूरती है वो फॉरेस्ट के साथ नहीं है, डार्क फॉरेस्ट है दांडेली में। तो आप अगर दांडेली आएंगे तो आप एक बार जंगल सफारी के लिए विजिट करो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। एक जो उसका जो एंड पॉइंट होता है डेस्टिनेशन सब जंगल सफारी का, वहां पर ड्राइवर ने हमको रुका है, तो हम लोगों को ये व्यू पॉइंट देखने के छोड़ दिया। इतना खूबसूरत व्यू पॉइंट है, अगर आप यहाँ आए तो डेफिनेटली एक बार विजिट कर दो। दांडेली जंगल सफारी एक ऐसी खूबसूरत एक एडवेंचर है कि अगर आप दांडेली को आ रहे हो, कोई टूरिस्ट दांडेली आ रहा है तो रिजॉर्ट के लिए कोई आ रहा है, तो डेफिनेटली एक बार दांडेली सफारी जंगल सफारी को विजिट कर दीजिए। वो जंगल सफारी जो है दिन में 2 स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, एक तो सुबह 6 अवेलेबल रहता है और दूसरी तो 4 अवेलेबल रहता है। तो मैं बता रहा हूँ कि इसका चार्जेस है 650 पर पर्सन। अगर आप 650 पे करके गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर पे करेंगे तो आपको एक व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको शेयरिंग बेसिस पे व्हीकल पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे, ये सब चीज भी दिखाएंगे, अगर कोई एनिमल कैच होता है तो ड्राइवर रुका के दिखा देगा आपको कि ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं। पर कोई प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं करते हैं, जो कि अपने फॉरेस्ट व्हीकल पे ही हमको आना पड़ता है, तो हमारे व्हीकल जो भी है वहां पर बाहर पार्किंग में लगा के आना पड़ता है। जंगल सफारी मतलब जंगल सफारी सिर्फ नहीं होता है, यहाँ पर एक ऐसी ऐसी जगह है जो आपकी आंखों को एक ठंडक से महसूस दिला देगी। एक ऐसी देखो मैं आपको दिखा दिया ये ऐसा स्पॉट, उसके बाद में अगर हम लोग और अच्छे अच्छे जो पानी के स्पॉट्स है, जो वहाँ पर पानी झरना वगैरह होता है, वो बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स है। सिर्फ जंगल सफारी मतलब जंगल सफारी नहीं होता है, जंगल सफारी को विजिट करो, वहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस है जो दिखा देंगे आपको। अभी एक आपको छोटी सी मतलब अच्छी जो नेचुरली वो फील कर चुके हैं उनसे एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये है आपका नाम संतोष, ये है आपका नाम बाबू, ये जो है ड्राइवर प्लस गाइड है जो इतने बार यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, तो इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनको हिंदी नहीं आती है, मैं वो कन्नड़ में बोलेंगे, मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। सर यू इन्हें 8 साल से काम कर रहे हैं ये लोग, ಸರ್ ನೀವು ಏನೇನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏ ಬೋಲ್ ರೇ ಕಿ ಇನ್ಕೋ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೈಗರ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಸಾಂಬಾ ಡಿಯರ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡಿಯರ್ ये सब जो कॉमन दिखते हैं, मगर अभी क्या बोल रही है, लास्ट टाइम तो मैं टाइगर कब दिखा था किसी का वीडियो चुरा के डालना वो अच्छी बात नहीं है, अगर कोई दे देता है तो मैं डाल दूंगा वीडियो। सर मतलब कैच हो चुका है हमको, इतना बड़ा बाइसन भाई, मैंने तो इतनी करीब से कभी नहीं देखा बाइसन को। ये देखो बाइसन, छोड़ दो ले बैक, छोड़ दो ये भाई, कितने बड़े बाइसन, वो भी एक नहीं दो नहीं, क्या बात है भाई भाई। देखो बाइसन का नजारा देखो, इतने खतरनाक बाइसन, वो भी एक नहीं दो नहीं। अगर तकरीबन ಎಷ್ಟು ಸರ್ ವೈಟ್ ಅದರದು ಒಂದರದು ಇರ್ಬೋದು 80 ತಕರಿಬನ್ 100 ಸೆ 80 ಸೆ 100 ಕೆಜಿ ಉಸ್ಕಾ ವಜನ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಏಕ ಕಾ ಇದು ದೇಖೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೆ ಸಾಥ್ Oh,
लोग 6 बजे हाँ स्टार्ट किए थे, अभी हो चुके हैं टाइम 8 बजे। 2 घंटे का जो ट्रिप होता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमको लगा है। अभी मैं आपको पूरा ब्लॉग डाल दूंगा। क्लाइमेक्स है अपने जो टाइगर रिजर्व जंगल सफारी का जो दांडेली का जो है उसमें क्लाइमेक्स जो ये है कि अगर आप जंगल सफारी के लिए बुक करते हो तो आपको ये जो एलिफेंट को जो देखने मिलेगा ना ये फ्री है। अगर आप जंगल सफारी नहीं बुक करोगे सिर्फ एलिफेंट देखने के लिए आओगे तो यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर 50 रुपीज और 25 रुपीज चार्जेस है और टाइमिंग भी लिखा हुआ है। अब देख लो, अगर हम लोग बुकिंग किए थे तो हमको फ्री मिल गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक हाथी जो टस्कर वहां पर खड़ा है, हम लोग आपको दिखाएंगे। आ जाओ, ये जो है हाथी इसका नाम है चामुंडी। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको पालते हैं। इसका नाम है चामुंडी, इसका नाम है शिवांगी, इसका नाम है चंचल। सो ये इतने खूबसूरत है कि इसको कुछ भी हम लोग करते कुछ भी नहीं करेंगे। पहले इस पर राइड होता था मगर आप राइड शायद से नहीं हो पा रहा है। देखो इस हाथी को कितना खूबसूरत है हाथी। ये जो है बुकिंग ऑफिस है, यहाँ पर आपको 5:30 को आके 5:30 बजे आके यहाँ पर बुकिंग करना पड़ता है। यहाँ से बुकिंग करने के बाद आपको यहाँ पर व्हीकल रुके हुए रहते हैं, उस व्हीकल पे जाना पड़ता है। मैं आपको पूरी मेरा जो जंगल सफारी का जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से मैं दांडेली से जितना भी हम लोग अभी आए हैं सब कुछ मैं दिखा दूंगा। आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। कमेंट करने के लिए और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कुछ थोड़ी आता है भाई, सब्सक्राइब करो प्लीज़।